नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो पहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत लाभ देने के लिए सीएम सपोर्टर्स ऐप लॉन्च करने के साथ ही राशन कार्ड धारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। ऐप लॉन्च होने के बाद 24 घंटे के अंदर पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत करीब 16,000 लोगों के आवेदन आए हैं। अभी तक बोकारो के 656, रांची के 544, लोहरदगा के 407, सरायकेला खरसावा के 326, खूंटी के 289 आदि राशन कार्ड धारियों के आवेदन योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सीएम सपोर्टर्स ऐप या फिर आप झारखंड.gov.in में निबंधन कर राशन कार्ड धारियों की योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन से योजना के जरिए राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने दो पहिया वाहन के लिए प्रतिमा अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रतिमाह उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री 26 जनवरी 2022 को दुमका से योजना का शुभारंभ कर योजना की अर्हता पूर्ण करने वाले लाभुकों को इससे लाभान्वित करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।